Dear students, now we will further do another theorem 5.3.20. M and N are some modules, then homomorphism M, N. इसका क्या मतलब होता है? होमो आर एम एन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल मैपिंग्स. यहाँ पे जो सेट दिया गया ये मैपिंग्स का दिया गया, एफ मैपिंग्स. वो ये मैपिंग M टू N डिफाइन की गई है, सारी होमोमॉर्फिज्म है. आपने शो करना कि ये जो सेट है अबिलियन ग्रुप है. ओके, इसके बाद ये हमारा बिलियन ग्रुप बन गया होमो आर एम एन. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने शो करना कि ये R मॉड्यूल बनाएगा. R मॉड्यूल की डेफिनेशन होती थी R क्रॉस M टू M, तो ये मेरा M की तरह काम करेगा. ओके, ये हमारी थ्योरम है. सबसे पहले क्योंकि हमारी मैपिंग M टू N है, तो जीरो एक मैप होता है, जीरो मैप जो एलिमेंट्स को जीरो पर लेके जाता है. तो जीरो एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा होमोमॉर्फिज्म में, तो इसका मतलब होमो आर एम एन नॉन एम्प्टी सेट होएगा, ये इसका मतलब है. अब आपने इस होमो आर एम एन को शो करना है ग्रुप. ग्रुप के लिए प्रॉपर्टीज पता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है पहली, ऑसोसिएटिव. वो प्रॉपर्टीज शुरू करें क्लोजर प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे जो आपने एलिमेंट्स लेने हैं, आपने एफ कॉमा जी मैप्स लेने हैं. पहली प्रॉपर्टी क्या होती थी, इफ एफ कॉमा जी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी, तो ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा. तो यहाँ पे एफ प्लस जी लिया गया, यहाँ पे एलिमेंट एक्स प्लस वाई लगाया गया, उसने इसको अलग अलग कर दिया. अलग अलग करने के बाद टूट के अलग अलग होगा, क्योंकि एफ और जी होमोमॉर्फिज्म है. फिर एफ एक्स और जी एक्स अलग कर लिया गया, एफ प्लस जी बन गया, ये एफ प्लस जी वाई बन गया. तो ये प्रॉपर्टी ओबे करने लग गया. सेकेंड प्रॉपर्टी एफ प्लस जी आर एक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसने इसको ब्रेक कर दिया, आर कॉमन चला गया. फिर इसको सारे में से आर कॉमन ले लिया गया, इसको ऐसा लिख लिया गया. तो ये प्रॉपर्टी ओबे होगी. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव में तीन मैप लेने पड़ेंगे, एफ जी एच, एफ जी प्लस एच, उसको एक्स पे लगाया जाएगा. तोड़ के इसको इस तरह प्रूव कर लेंगे. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जीरो मैप विल वर्क एज आइडेंटिटी मैप, क्योंकि अगर एफ में जीरो ऐड करोगे तो एफ आएगा. एंड इन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर एफ कोई मैप है तो उसका इनवर्स मैप होगा माइनस एफ. उसको लिखा जाएगा इस तरह की शेप में. तो माइनस एफ एक्स प्लस वाई को लिखेंगे, माइनस एफ एक्स प्लस वाई, ये माइनस तोड़ के इसको अलग अलग कर देगा. तो ये इसका इमेज आ जाएगा, इसका इनवर्स आ जाएगा. ओके, फर्दर वी हैव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी. लेट मान लीजिए एफ और जी दो उसके होमोमॉर्फिज्म के मैप है, तो एफ प्लस जी पे एक्स लगाया गया, एफ एक्स जी एक्स लिखा गया, इसको हाँ ले दूंगा. उसके बाद इसको रिवर्स करके लिख दिया गया, तो ये अबिलियन ग्रुप प्रूव हो गया. अब आपने इसको शो करना है आर मॉड्यूल. आर मॉड्यूल प्रूव करने से पहले हम एक चीज प्रूव करेंगे कि अगर एफ एम एन को बिलोंग करता तो ए एफ बी एम क्रॉस एन का होमोमॉर्फिज्म का एक मैप होएगा. क्योंकि जो आर मॉड्यूल में एक प्रॉपर्टी होती है ए एफ वाली, तो वो प्रॉपर्टी में तभी लगा पाएंगे अगर वो ए एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म मैप होएगा. तो ए एफ को होमोमॉर्फिज्म शो करने तो दो स्टेप्स ये होते हैं, शो उसने प्रूव किए गए यहाँ पे. एक होता है एक्स प्लस वाई, एक आर प्लस एक्स. सिंपल स्टेप्स से इनको प्रूव कर दिए गए हैं. अब आपने इसको शो करना है कि ये जो हमारा होमो आर एम एन है कि आर मॉड्यूल है. तो मॉड्यूल करने के लिए चार प्रॉपर्टीज होती थी हमारे फर्स्ट लेक्चर में. क्या होती थी बेटा? एक होती थी हमारी आर वन प्लस आर टू अंदर एम, ये लिखी गई है फर्स्ट प्रॉपर्टी. एक होती थी हमारी आर टाइम्स एम वन प्लस एम टू, ये दूजी होगी. तीजी आर वन आर टू एफ, यहाँ पे से फर्स्ट और सेकेंड उल्ट फुल्ट कर दी है. तो आर टाइम्स एम वन प्लस एम टू, तो एम वन एम टू की जगह एफ प्लस जी लिया गया, एक्स पे लगाया गया, अलग अलग कर दिया, ऐसे अलग अलग कर दिया गया, ये आर अंदर चला गया. तो ये प्रॉपर्टी बड़े आराम से प्रूव हो गई है दोनों तरफ से. एक्स 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 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये मैप्स है, तो इस पर एक्स लगाने पर सिंप्लीफाई होकर ये प्रूव हो जाएगा. सिमिलरली ये प्रॉपर्टी आप प्रूव कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी. तो ये चारों प्रॉपर्टी प्रूव हुई, हमारा मॉड्यूल प्रूव हो गया. अगली इसमें कॉर्लरी है बेटा एक, एंडोमॉर्फिज्म. एंडोमॉर्फिज्म की थ्योरी भी सेम इसी तरह से होनी है. वहाँ पे फ़र्क क्या होगा कि मैपिंग एम टू एम होगी. एंडोमॉर्फिज्म में दोनों ग्रुप मैपिंग सेम टू सेम ग्रुप होती है. अगर होमो लिखा हो तो एम से एन होगी. बड़ी थ्योरी में ध्यान से देखिए, पहले बिलियन ग्रुप प्रूव किया गया, फिर आर मॉड्यूल प्रूव किया गया. यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख लीजिए. और आर रिंग दिया गया यूनिटी के साथ, हमें शो करना है आर मॉड्यूल एम साइक्लिक होएगा इफ़ एंड ओनली इफ एम इज़ आइसोमॉर्फिक टू दिस. पहले यहाँ पे लेट आर मॉड्यूल एम साइक्लिक दिया है, मान लिया गया एक एक्स एलिमेंट ले लो एम से, जो एम इज इक्वल टू आर एक्स लिखा जाएगा, क्योंकि एम है मेरा साइक्लिक, तो वो किसी एलिमेंट एक्स के अराउंड घूमेगा. आर एक्स लिख लिया गया, एक आइडल बनाया गया आई, उसमें इस तरह के एलिमेंट है रिंग के जो उसके इमेज जीरो पे लेके जा रहे हैं आर एक्स, या कोई याद रखना पड़ेगा. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस होमोमॉर्फिज्म. तो वही फंडामेंटल थ्योरम कैसे करते थे, जो नीचे वाली चीज उसको छोड़ देते. आर से लेके एम तक का मैप डिफाइन किया गया आर एम, एफ आर एम का एलिमेंट किस तरह का आर एक्स. होमोमॉर्फिज्म के दो स्टेप होते हैं एफ ऑफ ए बी और एफ ऑफ ए आर इंटू ए.
क्योंकि इसमें आर एलिमेंट है तो उसको आर वन प्लस आर टू लिखा गया, एक और आर डैश आर वन लिया गया। ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करने के बाद वो एफ आर होमोमार्फिज्म हो जाएगी। फिर उसने इसको ऑन टू प्रूव किया। ऑन टू के लिए कैसे लिखेंगे, इफ आर एक्स बिलोंगिंग्स टू एम देयर एग्जिस्ट आर बिलोंगिंग्स टू आर सो दैट दिस थिंग विल हैपन। नाउ वी आर विल फाइंड कर्नल एफ। कर्नल का डेफिनेशन क्या होता है, फॉर आर बिलोंगिंग्स टू आर इस इमेज विल बी जीरो। तो इसका अगले पेज पे, तो इसका मतलब आर एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आर एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब आई था, हमने डिफाइन किया था, तो यहाँ पे उसका कर्नल क्या निकल के आ गया, आई। तो फंडामेंटल थ्योरम लगी आर ओवर कर्नल एफ आइसोमॉर्फिज्म टू एम, तो कर्नल एफ की जगह आई आ गया। अब कन्वर्स कर रहे हैं, कन्वर्स में आपको एम ये में दिया गया आइसोमॉर्फिज्म, आपको शो करना है एम साइक्लिक है। अब मैं सीधा यहाँ से जाता हूँ शॉर्टकट में कैसे करना है। एक एक्स एलिमेंट लीजिए आर अपॉन प्लस आई का, आर प्लस आई का जो एलिमेंट है उसको लिख सकते हैं आर प्लस आई, क्योंकि क्वेश्चन मॉड्यूल है। इस आर प्लस आई में से आर कॉमन लीजिए, ओके, उसको लिख लिया गया आर वन प्लस आई, यानी कि आर अपॉन जो आई है उसके सारे एलिमेंट आर वन प्लस आई की फॉर्म में लिखे गए। इसको आर वन प्लस आई लिख लिया गया, क्योंकि आर प्लस आई एम के आइसोमॉर्फिज्म है, तो ये एम इसके इक्वल आ गया। तो इसका मतलब होगा ये एम के एलिमेंट इस वन प्लस आई के रूप में जनरेट होंगे, तो इट एम इज जनरेटेड बाई वन प्लस आई, सो एम इज अ साइक्लिंग मॉड्यूल। तो ये आप बेटा थ्योरम फॉर एग्जांपल कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो भी किया इंपॉर्टेंट।